वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। टुडे वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ MNS 2020। बट बिफोर प्रोसीडिंग, टुडे इज 15th ऑफ ऑगस्ट एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। सो very happy Independence Day to everyone. We are defense aspirants and this day means a lot. अगर defense aspirant नहीं भी होते फिर भी चाहे हम किसी भी category को belong करें, India के किसी भी कोने के रहने वाले क्यों ना हो, defense, civil, किसी भी category के, हमारा nation हमारे लिए हमेशा से ही priority रहा है। So this day means a lot to us. So I'm again wishing you all a very happy Independence Day. मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमारे देश ने आज़ादी के 75 साल पूरे कर लिए हैं और अब हम अपनी सफलता के, अपने देश की सफलता के एक नए ही आयाम को छूने वाले हैं। हमारा देश विकास के नए पायदानों पे रोज़ कदम रख रहा है। हालांकि कोविड के चक्कर में हम कुछ साल पीछे आ गए हैं, लेकिन दुनिया के बाकी देशों को देखते हुए भारत ने कोविड से निपटने में भी अपनी मिसाल कायम की है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और आप तो जानते हैं कि स्टडी मंत्रा इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MNS, तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने कुछ टैलेंट को शो करते हुए एक छोटी सी क्लिप्स रेडी करी हैं। आइए एक बार उन्हें देखते हैं। Respected ma'am and my dear friends, good morning everyone. First of all, I wish a very very happy Independence Day to all. I am Ankita Best is going to share my views on the auspicious day of independence. So, as we all know that today we are going to celebrate our 75th Independence Day. We celebrate Independence Day on 15th of August every year. On this day, we gained freedom after a series of movements in which our brave freedom fighters sacrificed their lives. Behind the story of Independence Day lies a vast history of sacrifices and struggles in which our many freedom fighters sacrificed their life and fought for India's independence until their last breath. To honor our brave and great freedom fighter, we celebrate Independence Day
एज अ नेशनल सेलिब्रेशन और वी कैन से नेशनल फेस्टिवल. दिस डे टीचेस अस द नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म एंड स्ट्रेंथन्स आवर यूनिटी. सो वी शुड ऑलवेज प्राउड टू बी एन इंडियन एंड एडमायर द फॉर्च्यून टू हैव बीन बॉर्न इन द लैंड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. We should always respect our nation and make peace and unity in our nation. In the last, I wants to recite a shayari. Na poochho zamane se ki meri kya kahani hai. Na poochho zamane se ki meri kya kahani hai. Meri pehchan to bas itni hai ki mera dil Hindustani hai. Meri pehchan to bas itni hai ki mera dil Hindustani hai. Thank you. Have a nice day and Jai Hind. अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे. ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरे नस नस में तेरा इश्क बहे, भीगा न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे. तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू. ओके, तो आई होप आप सभी को हमारे स्टूडेंट्स की वीडियो क्लिप्स पसंद आई होंगी. ये स्टूडेंट्स हमारे MNS 22 बैच के स्टूडेंट्स हैं. आई नो दैट फिजिकली वी आर नॉट टुगेदर, लेकिन हमारे देश के प्रति हमारे मन में प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ है और कभी भी कम नहीं होगा. समय के साथ ये और ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जिसके मन में देश के लिए प्रेम नहीं वो इंसान नहीं पत्थर है. तो हम में से कोई भी पत्थर नहीं है और हमारे मन में हमारे देश के लिए प्रेम है और ये आगे नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाएगा. चलिए, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजल्ट ऑफ MNS 21 स्टडी मंत्रा के जो रिजल्ट्स आए हैं वो बहुत ही हार्डवेलमिंग है और हमारे अप्रॉक्सीमेटली 10 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड फॉर MNS 21 इंटरव्यू. यानी 50 में से 10 स्टूडेंट्स ने MNS एग्ज़ाम 21 का क्लियर किया है और अब वो अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. आइए एक बार देखते हैं स्टडी मंत्रा के साथ उनका प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा. हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान हियर एंड आई वांट टू शेयर वन ऑफ माय न्यूज़ विद एवरीवन दैट आई गॉट क्वालिफाइड फॉर मेडिकल एंड एग्जाम इंटरव्यू ऑफ MNS 2021. रिजल्ट केम आउट टुडे एज वेल नोन बाई एवरीवन. सो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर मेडिकल एंड इंटरव्यू सेक्शन. You know, the moment I gave written exam and I came out of the hall, somewhere in my heart, I was sure that I'll be able to make it this time. And I just can't give credit to one single person or people. Credit is wholesome. Anybody. Like, the very first thanks which I give, I want to give, is to Dr. Mansi Mishra ma'am. Just because of her diligent effort, I'm able to do it this time.
She worked very diligently. In my every video I have told this, that she literally worked very diligently, very hard work she have done on us. Everything, every concept, and this journey with Study Mantra is really very fantastic and very awesome. The moment when I joined Study Mantra, I was very sure a positive vibe was there under me, and it's just because ki I was feeling ki mujhe ek aisa guidance mila hai under Dr. Mansi Mishra ma'am, who have helped us so very much that we are so sure, we are confident enough that we'll be able to sail it throughout our journey. And she really helped us a lot. Every concept, science, physics, chemistry, biology, English, GK, reasoning, static ho GK mein ya fir tumhara hamara current ka portion tha, everything she have completed, everything she have worked upon. In fact, she was also working, she was very confident for our selection, and she is also working for our interview portion as well. So literally, very very thanks to Study Mantra, very very warm thanks to Dr. Mansi ma'am. Really ma'am, you have helped us a lot, and I must say that it was you because of whom we have got so much of help, and it really helped us to sail through our journey through MNS 2021. So thankfully, a warm thanks to you ma'am. Thank you Study Mantra, thank you for your help, for your cooperation, for your guidance, for everything from 2020 till 2021 examination and till interview portion, what you will be doing, it is just awesome. And I do believe, mera personal experience jo main pichle video mein bhi maine bola tha ki Study Mantra se best guidance, se best coaching institute for this MNS exam or for any competitive exams. Even this is Rekha. I have prepared for MNS 2021 examination with Study Mantra, and now paying homage to the team, I want to say that I have qualified for medical and interview by scoring 112 marks in entrance test. Hello everyone, I am student of Study Mantra and I am selected for interview and medical examination of MNS. Study Mantra's content was really very nice. Thank you ma'am for all your efforts. Thank you very much. So now I am stopping my words for today, and I can say Study Mantra is really the mantra of success, and it is the mantra that changed my life and that guide me to success. And thank you ma'am, thank you Mansi ma'am, and thank you everyone. ओके सो ये वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस बार हमारे साथ प्रिपरेशन की, हमारे ऑनलाइन पेड बैचेस को ज्वाइन किया हुआ था, एंड नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर इंटरव्यू एंड मेडिकल्स. तो आर वेरी बेस्ट ऑफ लक टू देम फॉर देयर मेडिकल्स एंड इंटरव्यू. इस बार का रिजल्ट कुछ अजीब ही था. बहुत से बच्चों को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा और बहुत से बच्चे खुश भी थे. हम पहले से जानते थे कि इस बार भी हर बार की तरह, पिछली बार की तरह नॉर्मलाइजेशन को अपनाया गया था, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो बॉर्डर लाइन पर आके रुक गए थे. सम हैज स्कोर्ड 122 बट स्टिल दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर देयर मेडिकल्स एंड इंटरव्यू. दिस इज़ बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन. जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बहुत पहले ही बता दिया गया था कि पेपर दो शिफ्ट में होगा और नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा. इसी तरह अब आने वाले हर सालों में पेपर को 2 से 3 शिफ्ट में ही कराया जाएगा और हर बार नॉर्मलाइजेशन के क्राइटेरियाज़ को अपनाया जाएगा. तो आप सभी को अपने दिमाग में ये रख कर चलना है कि आपको हर बार नॉर्मलाइजेशन का सामना करना पड़ेगा. अब इससे बचने के लिए और सेलेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करनी है कि चाहे नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ क्यों ना जाए, आप उस लिस्ट में आ जाएं.
तो आपको क्या करना है अभी से, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उन्हें वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर इंटरव्यू, लेकिन जो बच्चे हमारे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उन्हें क्या करना है, दे हैव टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे ओनली. दे हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट विद देयर प्योर हार्ट. कभी भी मेहनत से मत घबराइए, कभी भी असफलता से मत घबराइए, क्योंकि मेहनत और असफलता, भाई हम मेहनत करेंगे तभी हम असफलता को जीतकर उसे अपनी सफलता में बदल पाएंगे. तो जीतना और हारना ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, हमारे जीवन के दो सत्य हैं, हमें इनसे तो आए दिन रूबरू होना ही पड़ता है. या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, हारना तो हमने सीखा ही नहीं था. तो भले ही 21 का रिज़ल्ट हमारे फेवर में ना रहा हो, लेकिन अब 22 हमारे पास है और 22 के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है. अपने इस समय को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है और एक एक दिन की वैल्यू को समझना है. जब 21 के लिए मैं आपको गाइड कर रही थी तभी मैंने आपसे कहा था कि एक एक दिन की इम्पॉर्टेंस समझिए, क्योंकि दे आर गिविंग यू सो मच टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो द क्वेश्चन पेपर इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी. दिस टाइम द पेपर वॉज ऑफ मॉडरेट लेवल, और कहें तो मॉडरेट से थोड़ा हायर लेवल का ही पेपर रहा था. तो पेपर बहुत ईजी नहीं आया था. एंड अब बात करें क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की, तो वी हैव फाउंड कि दे आर चेंजिंग देयर पैटर्न कंटिन्यूसली. नथिंग इज़ प्रिडिक्टेबल एंड दे आर रोटेटिंग देयर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर. अब अगला क्वेश्चन पेपर क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करके हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. आपको अपने हर एक दिन की इम्पॉर्टेंस समझनी है और उसे वेस्ट ना करते हुए अपने प्रिपरेशन को सही ढंग से करते हुए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते जाना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, मेक अ टाइम टेबल. आप चाहे किसी भी फील्ड के हों, कोई भी आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा हो या आप एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, कुछ भी हो, आप अपना एक अभी से टाइम टेबल बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको अभी से बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए चलिए. बिकॉज अ राइट स्ट्रैटेजी एंड अ करेक्ट टाइम टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेलेक्शन इन एनी एग्ज़ाम. तो अब अपना एक टाइम टेबल बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, उसको फॉलो करिए. अपने वीक एरियाज़ को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, वीक एरियाज़ पर ज़्यादा फोकस करिए और अपने स्ट्रेंथ एरियाज़ को थोड़ा कम टाइम देते हुए उन्हें मेंटेन करते हुए चलिए. तो दिस शुड बी योर राइट स्ट्रैटेजी फॉर सेलेक्शन इन MNS 22, बिकॉज द सेलेक्शन इज़ द ओनली गोल विच यू हैव टू गेट. आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर रनिंग लाइव क्लासेस. और मैं बता दूँ इन ऑनलाइन बैचेस में, कोर्सेज में आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा. वी आर प्रोवाइडिंग PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ दैट लाइव क्लासेस. इसके लिए आप हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं. ऑलरेडी वहाँ पर इनरोलमेंट चल रहा है और डेली एक ना एक बच्चा वहाँ पर इनरोल हो रहा है. बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका मिस ना हो जाए, इसीलिए आज ही हमारे बैचेस को ज्वाइन करिए. इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको वहाँ पर सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी. स्टडी मंत्रा को एक चांस दीजिए अपनी सफलता की एक कहानी में छोटा सा हिस्सा बनने के लिए. वी आर वेटिंग देयर फॉर यू एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड अपकमिंग डेज. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन आवर एवरी नेक्स्ट वीडियो. If you like the video, then don't forget to like the video and share the video. Share your valuable comments because we are waiting for them. Thank you, everyone.